एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7, अभी नहीं लग गई यार, क्या ठीक जल्दी जल्दी में कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी हम नहा चुके हैं, नहा कर आए हैं, अभी बनना है खाना चाय। अभी हम सबको चाय पीनी है, खाना भी बनना है। तो मैंने उससे पहले कहा आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती हूँ, है ना। मॉर्निंग विश करना सबसे ज़रूरी वाला काम होता है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए क्या है ये। ये देखिए, ये दूध जिसको कहते हैं फोड़ना। नांजू क्या कहते हैं इसको? फोड़ना मतलब पकाना कहते, फोड़ना कहते ना। तो फोड़ना ना, हाँ तो इसको बोलते हैं फोड़ना। मतलब जैसे हम लोग खोलाते हैं ना, तो ये खोलता नहीं है, इसको फोड़ना कहते हैं। और जो इसका स्वाद होता है काफी अच्छा, तो मलाई निकल जाता है। हाँ, मलाई भी और अच्छा लगता है ये वाला। इससे मलाई ज्यादा निकलती, घी भी निकलता। हाँ, घी के मलाई मोटी पड़ जाती है। हाँ, इसकी मलाई जो होती है ना मोटी हो जाती है, और घी पकाएंगे तो इतना सही नहीं पकेगा, और अच्छा भी लगता है ना, मीठा मीठा। तो वही है ये, और काफी अच्छा लगता है। जब ये आप खाओगे तब भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर गांव में तो आप जानते हो कि क्या बनता है, मलाई। मलाई के लिए नहीं यार, मलाई नहीं, घी। घी के लिए ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने। यार क्या बोल रही हो, पता नहीं है। मतलब इससे जो घी बनती है ना, वो काफ़ी अच्छी बनती है, ढेर सारी बनती है। अगर उबाल के बनाओगे तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, देख रही हूँ। तो चलिए अभी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, हम रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा अभी हमने काम नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से रेडी हुई हूँ। मुझे थोड़ी सी अपनी साड़ी भी ठीक करनी है, क्योंकि क्या होता है जब आप लेट हो बैठ हो तो आपकी साड़ी थोड़ी सी यहाँ से ढीली हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हम रेडी हुए हैं, काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि घूंघट रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए बाबू लगी हुई है। बाबू क्या कर रही हूँ? अच्छा, और क्योंकि अभी बाबू को भी रेडी करना है, चेंज करना है, इनकी भी ड्रेस चेंज करनी है, कपड़े चेंज करने हैं। उससे पहले मैंने कहा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, है ना। बात करना भी तो ज़रूरी है। बाबू तो, अभी नहीं मम्मा रेडी करेंगे। चलिए इसको बंद करिए। तो अच्छे दे दो। हाँ, तो बस चलिए अब हम रेडी कर देती हैं बाबू को। हम भी हो गए हैं, फिर आप लोगों से। लाइटर कहाँ है? लाइटर पास होगा। बेटा मत पीजिए पानी, क्यों ऐसे कर रहे हो? सर्दी हो जाएगी बहुत। तो भाई सब हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। सब लोगों ने तो पी ली है, और हमने नहीं पी थी। क्या बोल रही हूँ, मैंने नहीं पी थी यार, क्या बोल रही हूँ, मैंने नहीं पी थी, आपने नहीं पी थी। कुछ ज़्यादा ही लग रहा, कंफ्यूज हो गई हूँ। तो हम लोगों ने पी ली थी, इन्होंने नहीं पी है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं, फोन लगा देते हैं ट्राईपोर्ड में, ठीक है। अरे जी वो कहाँ है? अदरक, हमको अदरक चीनी में नहीं दे दो। मामू क्या कर रही हो? रुक जाओ, देखिए मैं आपको दे रही है। खल में काट कर और जितना पहले पूछ लीजिएगा तो बाहर जितना बच जाए उसी में डाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा इतनी बच जाए उसे खल में डाल दीजिएगा। अब वो दे दो हमको चाय पत्ती। चाय पत्ती वो डिब्बा रखा था छोटा सा, यही तो है।
तो गाइस ये देखिए हम चाय बनाने लगे। पहले तो मैं बना रही थी 2 कप चाय, एक इनके लिए और एक अपने लिए, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि और कोई भी आ गया तो उनके लिए भी बढ़ा लेना। तो यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ी सी अदरक ली है और अभी मैं थोड़ा सा फिर से इसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती ऐड करूँगी, क्योंकि 2 कप और कहाँ 5 कप नहीं एडजस्ट कर सकती हो आप, क्योंकि हमेशा मेरी चाय जो है ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहती है। ये देखो उन्होंने कुछ बोला तो मैंने इस पर रिएक्ट किया कि आप बता रहे हो, तो बस वही मैं चाय बना रही हूँ और बैठी हुई हूँ। और कौन कौन मॉम इस तरीके से चाय बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, बताओगे कि दी हम ऐसे बनाते हैं सॉरी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कैसे बनाते हो आप लोग। और यहाँ पे मेरे चाचा ससुर आ गए थे इसलिए मैंने पल्लू ले लिया है, और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाबू को, क्योंकि बाबू कैसी मस्ती कर रही है, तो देख रहे हैं मस्ती कर रही है, इनकी मस्ती चालू है ना। क्या चीज़? ये हमारी चाय बन रही है, तो चलिए सबको चाय दे देते हैं निकाल के। और अच्छी लगती है ना जब चाय खोलती है तो देखने में भी अच्छी लगती है, और जो चाय की खुशबू होती है ना वो तो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है, मेरे नाक में पहुँच जाती है। अदरक वाली चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैंने सबको चाय दे दी है और मैं भी लेकर बैठ गई हूँ, ये देखिए हमारी चाय, तो चलिए गरम गरम हम पी लेते हैं हमारी चाय। अगर आप लोगों को भी पीना है तो जल्दी जल्दी से आ जाइए, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, बस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि सब कोई बैठा रहता है तो उतने अच्छे से आप नहीं बोल पाते हो ना। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में चाय वाय पीने के बाद फुर्सत से आराम से। इस रात के अभी बज रहे हैं 7:30, 7:30 कितने बज रहे हैं यार, 7:30 ऐसे ही हो रहे होंगे। और थोड़ा सा मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ कि 7:30 बात हो गए हैं, जो भी हो ना बाबू क्या लाई हो, और इस ब्लॉग का भी एंड करना है मुझे, है ना। कौन है? दे दो। कौन है? आपको भी दे दो। लड़ाई हो रही है भाई, लड़ाई हो, चाची से लड़ाई कर रही है, चाची से लड़ाई कर रही हो, चाची से क्या चाहिए? देवरानी जिठानी का कपड़ा मैचिंग मैचिंग है, मैच कर रहा है, सेम सेम है ना, लाल लाल है। पानी पानी चाहिए, मसाला तीखा है, मसाला तीखा है। और काफी थक गए हैं, हद से ज्यादा थक गए हैं, हद से ज्यादा, आप लोग बोलते हो ना, दीप बोलती हद से ज्यादा। और मम्मी किसी से फोन में बात कर रही हूँ, एयरिंग्स वगैरह में उतार देती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भारी लगती है इसी वजह से। सारा नखा कर तो है, तीखा है बेटा ये, और रख देना। बाबू सो गया क्या? हाँ इस समय सब की तबीयत है, वही हाल तो मेरे भी बुखार है। नहीं अभी खा लूंगी, लाए हैं मैं भी खा मेरा वीडियो बता रही हूँ, सब सुन रहा है वीडियो सब। तो क्या हुआ, तो बस अब मैंने कहा चलो इस ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। और मैं लगाई हूँ मोरे में गाँव की आशा, ये देखो मोरे में करी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी स्किन रूटीन फॉलो करने, एक मिनट ले दे दे मुझे। और क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी, दवा खा रही थी और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर आई थी, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, बहुत ही अच्छा है, इससे आपके फेस पे एक अलग सा ग्लो आता है, काफ़ी अच्छा है। तो बस ये देखिए अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ड्राई हो जाए, जब तक हम अपनी दूसरी टैबलेट खा लेते हैं, है ना। क्या करने लगी, बाबू का गेम चालू हो गया यार। और इसके बाद मैं लगाऊंगी लैक्मे का पीस मिल्क मॉइस्चराइजर, जो पहले 120 रुपीज़ का मिलता था, इस समय आपको डिस्काउंट पे इस टाइम इसकी प्राइस कम हो गई है, 99 रुपीज़ हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छा आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर फिर मैं ले आई हूँ हिमालया का लिप बाम, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा बजट में है, जो आपको आराम से 20-30 ऐसे कुछ मिलता है अराउंड, ये मुझे पता नहीं क्योंकि ये लोकल मार्केट से लाते हैं आपके जी भैया जी जीजा जी। तो ये देखिए इस तरीके से हम लगा लेंगे, तो
अभी हमारे लिप्स पर लगी लिपस्टिक, अभी देखिएगा लिपस्टिक निकालने का तरीका, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई वाइप्स वगैरह और मेकअप रिमूवर लेकर नहीं आई हूँ, तो ये भी आसानी से आपका काम करता है मेकअप रिमूव करने का, तो आप इससे भी कर सकते हो। तो बस अब हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइजर, मनी देना एक हाथ में मेरे, तो ट्राईपॉड कौन लगाया, बस 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 ये देखिए। और आपको तो बताइए कि समर आ चुका है, तो समर के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। अभी मैं इसका एक तरफ लगा के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं, और इधर देखिए, देखिए फर्क काफ़ी अच्छा है। और इसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दीजिएगा, तो ये अच्छे से सेट हो जाता है, कोई भी चिपचिपापन नहीं रहता है। बस और अब हम अपना क्या करेंगे, टॉवल देना मम्मी, हम इसको पोछ लेते हैं। ये देखिए, देखा आपने, काफ़ी इजीली निकल गया। अगर ऐसे आप निकालते रगड़ती ना, तो आपकी स्किन जो है ना लिप्स को और ज़्यादा ड्राई कर देती और फट भी सकता है ना, तो इसीलिए मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ, ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आती हूँ। तो बस हमारी हो गई स्किन रूटीन फॉलो, नाइट स्किन रूटीन, जैसा देश वैसा बेस। अगर आप कम में भी करना चाहो तो अपनी स्किन रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो बस अब हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कोई भी कमी लगी हो तो सर्विस ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।